शाम को लगी है छोटी मोटी सी भूख और घर में रखे हैं सिर्फ आलू, तो चलो आज बनाते हैं ये बढ़िया सा स्नैक ओनली सिर्फ आलू से। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना एंड इसके बावजूद ये सुपर क्रिस्पी एंड सुपर टेस्टी होता है। क्या करो, बड़े साइज के आलू ले लो और फिर इसे ना छील लो। फिर इस तरीके का आपके पास कटर होगा तो इस तरीके से ना मतलब चिप्स टाइप में आलू को कट कर लो। अब एक स्टिक ले लो जो की वुड वाली होती है वो। अब इन आलुओं के पीसेस को ना फोल्ड कर करके ना इसमें पिरो लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 स्टिक तैयार कर ली है एंड आफ्टर दैट अब थोड़ी सी हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसन ले लो, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हो। ऐड कर दो रेड चिली पाउडर, नमक एंड बेकिंग सोडा। सारे स्पाइसेस को मिलाकर फिर पानी ऐड करके ना इस तरीके से इसे मिला लेते हैं और इसका बढ़िया सा एक घोल तैयार कर लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें लंप ना पड़े और थोड़ा हमें जो घोल है वो पतला रखना है। अब इसके बाद जो हमने स्टिक तैयार कर दी थी उसमें हल्का हल्का सा ना घोल अप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद एकदम लिया है मैंने यहाँ पर गरम गरम ऑयल और इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। है ना, ये एकदम बिल्कुल कमाल की चीज और आप इसे पट से बना भी सकते हो। तो सारी स्टिक यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे हम टोमेटो केचप से गार्निश कर लेते हैं। मैं आपको इसका कुरकुरापन सुनाती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।